अब हम पढ़ेंगे आगे सम टर्म्स ऑफ स्पीसीज। चलिए देखते हैं सम टर्म ऑफ स्पीसीज, जिनके कुछ टर्म हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें आता है वो है स्थानिक प्रजातियां, स्थानिक प्रजाति जिसे क्या बोलते हैं एंडेमिक, एंडेमिक या एंडेमी स्पीसी बोलते हैं। दूसरी जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कुंज शिलाब प्रजाति, कुंज शिलाब प्रजाति को बोलते हैं जिसमें की स्टोन स्पीसीज। तीसरा आती है उन्हें बोलते हैं क्रांतिक योजी प्रजाति, इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसी बोलते हैं। क्या होता है सम टर्म्स ऑफ स्पीसी में सबसे पहले है स्थानिक प्रजाति, इन्हें इंडेमिक या इंडेमिक स्पीसी बोलते हैं। दूसरा है कुंज शिलाब प्रजाति, इनको कीस्टोन स्पीसी बोलते हैं। और तीसरी क्या है, तीसरी है क्रांतिकयोजी प्रजाति, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसी। अब हम नंबर वाइज नंबर इनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्थानिक प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानिक प्रजाति, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ये क्या होती हैं स्थानिक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति क्या होती हैं कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रजाति होती हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन सी स्थानीय प्रजाति हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, आगे चीन में विशालकाय पांडा, और क्या है चीन की घाटी में मेटा सिकोया, और क्या है न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी, तो यही होती हैं स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं कि वे स्पीसीज या किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रजातियां को ही अपन लोग क्या कहते हैं स्थानिक प्रजाति। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अब इसको समझ लीजिए विशिष्ट स्थान मतलब दुनिया में जो सी जो प्रजाति एक किसी कोई विशिष्ट प्रजाति जो उस विशिष्ट स्थान पर ही मिलती है या उस देश में मिलती है वही क्या है स्थानिक प्रजाति। कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, केवल कहाँ मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तभी
इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपन लोग कहते सुनते हैं कि कंगारू पर भारतीय टीम भारी पड़ी। क्यों बोलते हैं उन्हें कंगारू? इसीलिए बोलते हैं कि कंगारू केवल कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं। ये जो कंगारू हैं अगर खत्म हो जाए ऑस्ट्रेलिया में, मतलब उस आने वाले समय में अगर बाई चांस खत्म हो जाते हैं तो इस धरती से सब क्या गायब हो जाएंगे? कंगारू। चीन में विशालकाय पांडा एक जानवर होता है, भालू की तरह छोटा होता है। चीन की घाटी में मेटा सिकोया, ये क्या है? ट्रच है। ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स है। अभी न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी, न्यूजीलैंड अगर कीवी पक्षी अगर न्यूजीलैंड से गायब हो जाए तो इस पृथ्वी से भी कीवी पक्षी गायब हो जाएंगे, क्योंकि केवल कहाँ मिल रहे हैं? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी मिलने के कारण ही न्यूजीलैंड के जो प्लेयर होते हैं क्रिकेट के हों या फुटबॉल के या हॉकी के, उन्हें क्या बोलते हैं? कीवी। कीवी बोलते हैं। अपन लोग कहते भी हैं कि पाकिस्तान ने कीवियों को हरा दिया या भारतीयों ने कीवियों को धो डाला, इस प्रकार से स्टेटमेंट निकलते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। इसी प्रकार से ये क्या होती हैं? स्थानिक प्रजातियां जो केवल उसी स्थान पर पाई जाती हैं, अन्य किसी स्थान पर नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए ये जो इसका अदर पॉइंट्स हैं जो याद रखना है, मन में सवाल आ रहा होगा, जब ये इतने कम मात्रा में मिल रही हैं, एक विशिष्ट स्थान पर मिल रही हैं, तो ये क्या होती है कि विलोपन के प्रति, मतलब गायब होने के प्रति, विलोपन के प्रति अति सुग्राही होती हैं। जैसे कहीं क्वेश्चन बन गया कि इन निम्नलिखित तीनों प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति विलोपन के प्रति अत्यधिक सुग्राही होती है, तो अपना उत्तर क्या जाएगा? स्थानिक प्रजातियां या इंडेमिक स्पीसी या इंडेमिक स्पीसी में जाएगा। नेक्स्ट मन में सवाल आता है कि ये जो ऐसा क्या हुआ जो ये स्थानिक प्रजातियां बनी? क्यों मन में सवाल आता है कि कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया है में ही कंगारू की मिलता है, हमारे भारत में भी तो मिलना चाहिए, भारत में नहीं अन्य जगहों पर मिलना चाहिए। लेकिन इसके जो स्थानिक प्रजातियों के बनने का कारण क्या है? प्रजाति का बनने का कारण, तो बनने का कारण क्या है? पहले सभी क्या हुआ करते थे, एक तरफ था, तो लेकिन क्या हुआ जब भौगोलिक उथल पुथल हुई, मतलब महाद्वीपीय, क्या महाद्वीपीय पृथक्करण, महाद्वीपीय पृथक्करण मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग महाद्वीपीय पृथक्करण। महाद्वीप क्या हुए? अलग अलग हुए। अलग अलग होने की वजह से क्या हुए कि जो कंगारू थे वो अफ्रीका महाद्वीप पर चले गए, या मतलब कहीं अन्य जगह पर ऐसी ये प्रजातियां उस पर रह गई। अगर बाई चांस की इधर क्यों नहीं आए, अब इधर जैसे एक बचा, मेल बचा या फीमेल बचा या दोनों बच रहे बच बच गए, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे उनकी संख्या कम होने के कारण वो किसी बीमारी से या खाने की कमी से क्या हुए, वो धीरे धीरे गायब हो गए। इसलिए अब वो प्रजाति केवल कहाँ मिल रही है? ऑस्ट्रेलिया में। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी मिलता है। अब इसके पश्चात आगे पढ़ेंगे कुंज शिला प्रजाति किसे कहते हैं, की स्टोन स्पीसीज। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टर्म्स के बारे में। दूसरा क्या था? कुंज शिला। कुंज शिला प्रजाति की स्टोन स्पीसी। की स्टोन स्पीसी देखिए
की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, कि बे प्रजातियां मतलब बे स्पीसीज जो क्या होती हैं, जिनका जैव भार कैसा हो, कम हो, जैव भार कम है और जिनकी संख्या भी कैसी है, कम है, तो कम संख्या, कम ऐसी स्पीसी जिनकी संख्या कम है अर्थात जैव भार क्या है, कम है, लेकिन उनका समुदाय पर प्रभाव, समुदाय पर प्रभाव सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा है, समुदाय पर प्रभाव कैसा है, सर्वाधिक है। समुदाय पर प्रभाव कैसा है, सबसे ज्यादा है। कैस के रूप में फंक्शनल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब वे प्रजातियां जिनका जैव भार कम है, जिनकी संख्या कैसी है, कम है, लेकिन उन प्रजातियों का समुदाय पर प्रभाव सब सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, किसको लेकर, फंक्शनल रूप से और स्ट्रक्चरल रूप से उनका प्रभाव समुदाय पर सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसके जो एग्जांपल हैं वो क्या है, जैसे जंगल में से, जंगल में से, दूसरा रेगिस्तान में, कंगारू चूहा, और तीसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर का वृक्ष। अंजीर का वृक्ष, अच्छा अब ये किस प्रकार से, कहने का मतलब कि संख्या कैसी होनी चाहिए उन प्रजातियों की, कम, जैव भार कम हो लेकिन समुदाय पर प्रभाव सर्वाधिक हो, उनके स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और फंक्शनल क्रियात्मक रूप से। जंगल में से, जंगल में से कीस्टोन स्पीसीज में कैसे आ गया, कहने का अर्थ ये है कि जंगल में से क्या करता है, प्रभाव को किस प्रकार से सर्वाधिक डालता है वहां पर रहने वाले जीवधारियों पर, वो इस प्रकार से डालता है जैसे वहां जंगल में रहने वाले पेड़ पौधे हैं और क्या है, उनको खाने के लिए गाय है, खरगोश है, बकरी है, उसी प्रकार बकरी की संख्या को मेंटेन करने के लिए क्या है, लोमड़ी है, और लोमड़ी को खाने के लिए कौन है, शेर है, तो शेर क्यों क्या करता है, लोमड़ी को खाता है। अगर जंगल में शेर को हटा दिया जाए, जैसे शेर को जंगल से निकाल दिया जाए, तो क्या होगा कि लोमड़ियों की संख्या अर्थात फॉक्स की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़कर इतनी हो जाएगी कि वो एक दिन क्या करेंगे, बढ़कर बढ़ेंगे तो वो किसको खाना शुरू करेंगे, जो शाकाहारी है उनको खाना शुरू करेंगे। अब शाकाहारी को वो इतना भक्षण कर देंगे कि उनको समाप्त ही कर देंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि संपूर्ण जंगल ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जंगल में शेर, शेर को हटा दोगे तो जंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से रेगिस्तान में कंगारू चूहा, कहीं रेगिस्तान है और वहां क्या मिल रहा है, कंगारू चूहा, तो वो कंगारू चूहा क्या करता है, जैसे किसी भी अन्य जीवधारी द्वारा, पक्षी द्वारा कुछ भी खाया जाता है, किसी फल को खाया और उसने अपने फीकल मटेरियल को जाके अगर रेगिस्तान में छोड़ा, अब रेगिस्तान में भी बहुत प्रकार के जीवधारी रह रहे हैं, रेत में रहने वाले, तो वो क्या करेंगे, अब वहां पर क्या उगना शुरू हो गया, वृक्ष, लेकिन ये कंगारू चूहा क्या करेगा, उन बीजों को ढूंढ कर क्या करता है, खाता रहता है। अगर ये कंगारू चूहा वहां रेगिस्तान से हटा दिया जाएगा तो वहां पर क्या होंगे, वृक्ष लगने जमने शुरू हो जाएंगे, उगने शुरू हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि रेगिस्तान में खत्म हो जाएगा, रेगिस्तान खत्म हो जाएगा। इसीलिए रेगिस्तान में कंगारू चूहा जो है वो क्या है, की स्टोन स्पीसी, मतलब कि इनके वहां हटा देने से वह स्थान क्या होगा, बदल जाएगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा
तो ये तो ठीक रहेगा कि रेगिस्तान में जंगल होने लगेंगे, जंगल हो जाएंगे, लेकिन वहां जो रह रहे जीवधारियों के लिए तो नुकसान है। तो इसी प्रकार से रेगिस्तान में कंगारू, चूहा, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में अंजीर का वृक्ष, ये कैसे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, जैसे अपन केरला वगैरह में देखने को मिलते हैं। नियरेस्ट एरिया ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर लाइन के जो नजदीक एरिया होते हैं वहां पर अपन लोगों को देखने मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगर अंजीर का वृक्ष का इसमें कैसे कीस्टोन स्पीसीज है, तो ये ऐसा होता है जब उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में एक पतझड़ की सीजन आती है, जब पतझड़ की सीजन आती है तो उसमें क्या होता है कि सभी वृक्ष क्या होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं। अब वहां रहने वाले जो हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो खाएंगे क्या। तो ये अंजीर का वृक्ष सब कभी पतझड़ नहीं होता, मतलब जैसे धीरे धीरे होता रहता है कि एक डाल पर पत्ते गिरे फिर दूसरी पर आ गए। तो उसी प्रकार से क्या होते हैं कि वहां के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो जीव जंतु हैं शाकाहारी, उनके लिए अंजीर का वृक्ष क्या करता है, पौधे भोजन प्रदान करवाता है, भोजन प्रदान करता है। अगर इस अंजीर के वृक्ष को उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा कि वहां पर रहने वाले जीवधारी पतझड़ के ऋतु में, पतझड़ के टाइम में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं अंजीर का वृक्ष जो है वो की स्टोन स्पीसीज होती है, अर्थात इसकी स्टोन स्पीसीज को क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला स्पीसी, इसको अम्ब्रेला स्पीसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको अम्ब्रेला स्पीसी, इन स्पीसीज की छत्र छाया में, इन स्पीसीज की छत्र छाया में, इन स्पीसीज की छत्र छाया में अन्य जीव जंतु या पादप फलते फूलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति में, किनकी उपस्थिति में, इनकी मतलब की स्टोन स्पीसी, इनकी उपस्थिति में अन्य जीव जंतु पालते फूलते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। फलते फूलते हैं। अब इसके बाद हम बनेंगे तीसरा क्रांतिक योजी प्रजाति, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के बारे में। अब पढ़ेंगे क्रांतिक योजी प्रजाति, इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या होती हैं, मान लो ये एक्स कोई क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है, ये क्या काम करती है, जैसे ये कोई प्रजाति है, ये क्या है, कोई प्रजाति है, इसको ये क्रिटिकल लिंक मतलब एक्स नाम की कोई है, ये क्या करती है, ये जोड़ती है, कैसे जोड़ती है, पर्यावरण के बायोटेक, अबायोटेक और बायोटेक, बायोटेक और अबायोटिक फैक्टर से क्या करती है, जोड़ती है। किस प्रकार से जोड़ती है, जैसे ये मान लो कोई पौधा है, जैसे पाइनस का वृक्ष है और ये इसकी क्या हैं, जड़ें हैं, तो क्या होता है कि इन जड़ों के ऊपर कौन मिलते हैं, फंजाई, फंजाई इस प्रकार से, ये क्या है, फंजाई, कवक, माइकोराइजा है ये मान लो, ये क्या है, पाइनस, और ये क्या है, माइकोराइजा कवक है। ये इसको क्या प्रदान करता है, ये जल लेता है और क्या देता है इसको, पौधे को मिनरल्स देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से
बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज मतलब बायोटिक, जैविक और अजैविक घटकों को क्या करती हैं, ये प्रजातियों को मिलाती हैं, बीच में क्या करती हैं, एक सम मीडिएटर का काम करती हैं। जिस प्रकार से पादप तथा सूक्ष्म जो जीव होते हैं या जीवित जंतु मान लो, वो क्या करते हैं, पुष्पीय पादपों के मध्य का क्या होता है, संबंध होता है। कैसा संबंध? पॉलिनेटर्स में। जैसे पुष्पीय पादप होते हैं तो उसके मेल और फीमेल से वो क्या करते हैं, वहाँ से पोलन्स ग्रेन्स को लेकर आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से एनसीईआरटी में लाइन भी दे रखी है कि पाइनस नॉट जर्मिनेट, पाइनस नॉट जर्मिनेट विदाउट विदाउट माइको राइजा। पाइनस जो है वो माइकोराइजा के बिना क्या नहीं कर सकता, उग ही नहीं सकता। इसी प्रकार से क्या है, जीव तथा पुष्पीय पुष्पीय पादपों के मध्य संबंध संबंध, ये जो उदाहरण हैं वो क्या हैं, क्रांतिकयोजी प्रजाति, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, मतलब ये कोई क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है, वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर को क्या करती है, जोड़ती है किसी दूसरे प्रजाति को। जैसे ये पाइनस हुआ माइकोराइजा है, ये जल तथा क्या देती है उसको, मिनरल्स प्रदान करता है। इसीलिए ये लाइन जो है वो एनसीईआरटी ने भी उठाकर रख दी है। अगर वो बोल देगा कि पाइनस नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, अब वो बोल देगा कि यहाँ पर जो माइकोराइजा है, ट्वेल्थ के एक बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि माइकोराइजा के बिना कौन जर्मिनेट या उग नहीं सकता, तो वो क्या है, पाइनस। दूसरी तरह से क्वेश्चन अगर बनाया तो वो बनाएगा कि माइकोराइजा किस प्रकार की स्पीसीज में आता है, ऑप्शन दे देगा वो, पहला इंडेमिक स्पीसीज, दूसरा कीस्टोन स्पीसीज, तीसरा क्रिटिकल लिंक स्पीसीज और चौथा दे देगा चारों, ऑल ऑफ एबव। लेकिन अपन लोग अगर सही से ध्यान होगा तो किस में लगाएंगे, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में